हमारे चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब, बेल दबाएं। वेलकम 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 शाहिना के किचन में वेलकम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं बिल्कुल ही नए तरीके से ये चिकन का वो बनाने जा रही हूँ। इसमें हमने कट करके रख दिया है छोटे छोटे पीस में। सब रहता बोनलेस तो ज़्यादा बेहतर होता, लेकिन हमारे यहाँ ज़्यादा लोग हड्डी खाना पसंद करते हैं। ये हमारा 500 ग्राम ये गोश्त है, ये देखिए सब मिक्स है, मिक्स गोश्त है। इसमें आप मुझे सारी चीज़ें को मिला करके हमें आधा घंटा के लिए छोड़ना है। ये हमारा लहसुन अदरक पिसा हुआ है, ये नमक है, ये साबुत जीरा है, ये गरम मसाला है, ये काली मिर्च पाउडर है, और ये दही है, और ये यहाँ पे शिमला मिर्च, लाल मिर्च, हल्दी पाउडर, चाट मसाला और धनिया पाउडर। यह हमारा आधा किलो गोश्त है, इसको धो के सुखा के हमने रखा है। ये लहसुन लिए हैं, लहसुन अदरक है, ये हमारा बड़ा लहसुन है, दो ठो बारीक दो पीस था। ये हमारा गरम मसाला, ये घर का बनाया हुआ है, ये जीरा गोलमिर्च पाउडर, ये नमक इसमें हमने दिया, धनिया पाउडर। बिल्कुल इजी बता रहे हैं, ये आमचूर पाउडर, ये हल्दी पाउडर 1 चम्मच, धनिया पाउडर 3 चम्मच दिया हमने, तीखी मिर्च 1 चम्मच, कश्मीरी मिर्च भी 1 चम्मच, दही लिए 2 चम्मच। अब हम सारे चीज़ों को मिक्स करके छोड़ देंगे आधा घंटा के लिए। इसको मैं अच्छे से मिक्स कर रही हूँ। कट करना ज़रूरी है, रान वाला पीस रहेगा तो उसमें सब में कट होगा, रान है, जंघा है, ये भी चीज़ें। लेकिन ये बच्चे लोग बोले कि आज रोज़ा से हैं मम्मी, कोई ऐसी चीज़ बनाइए जो फ्राई भी लगे खाने में, तो उसी टाइप का हमने सोचा कि लाओ मैं बनाती हूँ। इसीलिए हमने इसको सोच करके, आज शाबान 15 शाबान का लोगों ने, सभी लोगों ने रोज़ा रखा है, इसलिए आज मैं ये इफ्तार के लिए बना रहे हैं। इफ्तार में चलेगा। अब इसको मैं आधा घंटा के लिए इसको छोड़ देंगे। इसको छोड़ दिया है आधा घंटा के लिए, इसी तरीके से जैसे मैं बताती हूँ बिल्कुल ऐसे ही बनाएंगी तो बहुत ही अच्छा लगेगा। अभी हमने धनिया पत्ती नहीं डाला है, धनिया पत्ती को जब चढ़ाएंगे तब उस वक्त मिलाएंगे, अभी नहीं दिया वरना जल जाएगी, इसलिए अभी हम नहीं डाल रहे हैं। आप हमारे चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। हमें बहुत बेचैनी से बेसब्री से इंतज़ार रहता है। अब मैं यहाँ गैस को ऑन कर रही हूँ, यह हमने गैस को ऑन किया। अब इसमें थोड़ा सा घी दीजिए या मक्खन दीजिए या रिफाइंड दीजिए, मैं रिफाइंड दूंगी बाद में, थोड़ा सा आखिर में घी देंगे। अच्छे से गर्म हो गया है, ऐसे मुर्गी वगैरह घी में बनती है तो अच्छी लगती है, मक्खन में भी बनती है तो अच्छी लगती है। यह हमने तेजपत्ता दिया, ये जीरा दिया, साबुत जीरा। अब ये कड़कता है तो गोश्त उसके अंदर डालेंगे। तेल अच्छे से गर्म हो गया, अब मैं देखिए इसको मैं एक एक करके डाल रही हूँ, अब ताकि पूरा पानी सूखेगा, आधा घंटा लगता है ये गलने में। ये देखिए सबको हमने डाला, बिल्कुल ही लजीज ये चिकन बनेगा। देखेंगे पानी एकदम नहीं पड़ेगा इसमें, पानी सूख के चिकन पड़ती है। अब मैं इसको छिपा करके धीमा करके छोड़ देंगे। अब ये धीरे धीरे अब मैं इसको पलटूंगी, खूब अच्छे से टूट गई है। चिकन है तो क्यों नहीं होगा, उस पर तो सारा मसाला, कबाब वाला मसाला इसमें दिए हैं,
इसमें हमने प्याज नहीं दिया है, आपने नोटिस किया होगा। ये बिना प्याज का हम मैं बना रही हूँ, बहुत ही लाइट ये बनेगा। अब ये धीरे धीरे इसी तरीके से ये गलेगा। पानी पूरा से छोड़ चुका है, अब ये पूरा पानी हमारा सूख जाएगा, तब इसके बाद आगे वाला प्रोसेस सब दिखाएंगे। इसके अभी आगे अभी बहुत काम है, अभी क्या क्या डालेंगे वो सब देखेंगी। हमारे चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अब हमने आँच को हाई कर दिया है, अब इसे हमें पानी सुखाना है, क्योंकि अब हमारा मीट भी गल ही चुका है। चिकन तो गलने में देर नहीं लगता, लेकिन हमें इसको बिल्कुल ही ड्राई कर देना है। इसके बाद अभी हमें इसके अंदर और सामान सब डालेंगे, वो सब देखेंगी क्या क्या डालना है। ये देखिए, ये पूरा पानी को हमें सुखा देना है, ज़रा ज़रा कर करके, जैसे गोश्त भुनाता है, पूरा स्टू की तरह भुना गोश्त की तरह इसको हमें रखना है। आप चाहें तो इसी प्रोसेस पर आप अपना रख करके आप खा सकती हैं, अपना पसंद। लेकिन जो तरीका मैं बना रही हूँ उसी तरीके में इसको हमें बनाना है और इसको खाना है। अभी और 5 मिनट लगेगा अभी सूखने में। इसको बहुत अच्छी खुशबू बहुत दूर दूर तक एकदम महक रही है, लग रहा है कि जैसे रमज़ान का महीना है, दोपहर में खाना बन रहा है, ऐसा ही लग रहा है। ये अभी पूरा पानी सूखेगा, ये देखिए हमारा खूब अच्छे से पानी सूख गया। अब हमें इसमें कुछ नहीं करना है, जिसका आप स्ट्रिप देंगे इसमें तो आप लोग देखेंगे। ये चैनल का क्या नाम दे आप अपने से सोच के हमें कमेंट में ज़रूर से बताएं। हमारा लगभग सभी रेसिपी बहुत अच्छा बनता है। अभी मैं इसको परी परी से सर्व करूँगी, परी परी मैं बना के रखती हूँ रमज़ान में, बहुत सॉस है ना, अच्छा लगता है, बना करके रखा कीजिए। शिजवान सॉस भी हमने बना के रखा, शिजवान चटनी रखा सॉस में, सॉस जो भी बनाएंगे वो अभी हमने नहीं बनाया है। इंशाल्लाह वक्त पर सब काम धीरे धीरे होता है। तेज पत्ता सब हमको गरम मसाला का एकदम से खुशबू अच्छी नहीं लगती ज़रा से, दालचीनी की तो और भी नहीं अच्छी लगती है। किसी किसी रेसिपी में दे देते हैं, किसी किसी में नहीं देते हैं। देखिए ये पूरा पानी अच्छे से सूख चुका है। अब मैं दूसरी तैयारी कर रही हूँ, जो इसके अंदर डालेंगे, जो बोले थे कि आखिर में बताएंगे इसके, अभी देखेंगे अभी क्या इसके अंदर हमें डालना है और इसको अभी हमें गलाना है। अब मैं कॉर्नफ्लावर ले रही हूँ, जो होटल वाले देते हैं वही स्टाइल से बना रही हूँ, रेस्टोरेंट स्टाइल से। यह 2 चम्मच हमने कॉर्नफ्लावर लिया, इसको घोल के इसके अंदर डालेंगे। आप लोग सोच रही होंगी कि मीट के अंदर ये कॉर्नफ्लावर क्यों जा रहा है, जाएगा क्योंकि इसकी इंटरेस्टिंग जो है ना दूसरी होगी। ये ज़ीरा दिए, ज़ीरा पाउडर, और ये गोल मिर्च पाउडर भी देंगे, गोल मिर्च पाउडर। और इसको अब घोलेंगे, इसमें नींबू भी देना है। ये हमने नींबू को काटा, और कॉर्नफ्लावर में देंगे। ये देखिए ये हमने दिया, नींबू छोटा है इसलिए रस भी थोड़ा सा कम है। दही कोई बात नहीं, दही तो हमने दिया है, जो आप लोगों ने देखा है दही हमने डाला है, इसलिए इसमें कम पड़ता है, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं। ये भी हमारा अच्छे तरीके से भुना चुका, अब इसको हमें पानी में घोलना। इसलिए डाल देने से पूरा ही टेस्ट ही दूसरा हो जाता है। मेरे पास ऑर्गिनो नहीं है, हमने ऑर्गिनो नहीं लिया है, और टेलीफिक्स भी नहीं है, वो भी हमने नहीं लिया है। आपके पास अगर है तो वो आप ज़रूर से ज़रूर डाल दें। इसलिए हमें सिर्फ ज़ीरा पाउडर
और काली मिर्च पाउडर दिया है, और मसाला सब तो उसमें पड़ा ही है, मसाला उसमें इतना नहीं पड़ेगा, बहुत कम मसाले में ये चिकन बनता है। अब मैं इसको इसके अंदर डाल दूँगी, गाँठें नहीं होनी चाहिए। आप कहाँ से देख रही हैं, कैसा लग रहा है मेरी रेसिपी? आज तो सभी लोगों ने, आप लोगों ने भी रोज़ा ही रखा होगा इंशाल्लाह। अब मैं ये इसके अंदर ये डाल दी, इसको मैं चला ये और ये सूखेगा। पता नहीं क्यों रेस्टोरेंट वाला से ये पंखला ज़रूर से आखिर में खोल के देते हैं, कुछ होता होगा बात जो हम लोगों को नहीं पता है, उन लोगों को पता है। ये हमारा अब ये हो ही चुका, बस देखिए पूरा कलर भी आ चुका थोड़ा सा। ये हमारा बिल्कुल ही रेडी हो चुका है। अब इसको हम थोड़ा सा धनिया पत्ती दिए और इसको अब निकाल देंगे प्लेट में और निकाल के अब आपको दिखाएंगे। ये देखिए मैं इसको निकाल रही हूँ, ये देखिए बहुत अच्छा ही, इतनी अच्छी खुशबू हो रही है कि मैं बयान नहीं कर सकती हूँ आप लोगों को इसकी खुशबू की। चिकन तो खैर ऐसे भी महकता है तो अच्छा और लगता है। इसको ऐसे कीजिए, ये दूसरे राउंड को भी इधर से रखें, अच्छा लगता है जितना अच्छे से रखिए कोई भी चीज़ अच्छा लगता है। यह हमने थोड़ा सा धनिया पत्ती दिया और ये साइड में ये नींबू दिया और ये हमारी दही है, ये सॉस है। जो हमने बनाया था परी परी सॉस वो हमारी सॉस है, इसके साथ सभी लोग अफ्तार में इन्जॉय करेंगे। क्या हमने परी परी सॉस को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अस्सलाम वालेकुम।